अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैं आज सुबह सुबह कहाँ से आ गया। तो दोस्तों, आज मैं आपको, जैसा कि आपको पता है, कल भी नहीं वीडियो आई थी, उससे परसों दिन रात के टाइम मैंने वीडियो बनाई थी। परसों तो चलो मजबूरी थी कि बारिश हुई थी, अभी भी दोस्तों हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। अगर हमारे कैमरा मैन अली भाई आपको दिखाएं तो ये देखें ज़रा दोस्तों, हमारी छत भी यहाँ पे गीली है, और अगर मैं आपको आसमान की तरफ लेके जाऊँ तो आप हवाओं में उड़ें। तो इसी तरह दोस्तों, कल मैं कहीं जगह गया हुआ था, एक ऐसी जगह, एक खूबसूरत जगह जहाँ से हमारी सेटअप की रौनकें शुरू होती हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर मैं गया हुआ था। मैं आपको अभी नहीं बता सकता, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। हमारे सेटअप पर कुछ होने वाला है, और कोई मामूली चीज़ नहीं होने वाली, एक मतलब कि आप कह सकती हैं कि जिसके लिए मुझे भी काफ़ी इंतज़ार था, और आप लोगों को भी मुझे उम्मीद है कि आपको भी इंतज़ार होगा। तो इसलिए दोस्तों, उसी के चक्रों में मैं गया हुआ था कल को मार्केट। पूरा दिन से तकरीबन मैं मार्केट है था, सुबह मैं गया हूँ तो शाम को तकरीबन 3-4 बजे मैं आया हूँ। उस टाइम तो दोस्तों आपको पता है कि शाम होना शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई नहीं, मसरूफियात भी थी काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए दोस्तों मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा चले आज रहने देते हैं, कल इंशाल्लाह सुबह उठते ही वीडियो बनाएंगे। और सुबह उठो, माशाल्लाह मौसम कुछ इस तरीके से हुआ, हल्की हल्की स्मोक हो रही है, ठीक है। और अभी मैंने दोस्तों क्या किया है कि अपनी मुर्गियों का जो पानी है वो नीम गर्म डाला है, मतलब कि मैंने नीम गर्म पानी किया। आप देख रहे होंगे इधर से ये धुआं भी निकल रहा है, इसमें से मैंने दोस्तों अभी अभी नीम गर्म पानी डाला है। और जो हमारी एवरी है दोस्तों, उसमें भी मैंने अभी अभी नीम गर्म पानी डाला है, ताकि हमारे परिंदे बीमार ना हो। और इनके लिए दोस्तों मैं दाना भी लेके आया हूँ अपनी मुर्गियों के लिए, तो अभी मैंने और भी लाना इंशाल्लाह। तो चलें दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल बने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और यार, आप लोग लाइक से नहीं करते, मैंने आपको लाइक करना लाजमी करना है। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, वीडियो भी करा करें, कमेंट्स भी करा करें, तो खुल के आप करा करें, ठीक है। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं सोच रहा था कि यार अभी ना आग लगा लेते हैं हम यहाँ पर छत पर, लेकिन जब लकड़ियों के पास जाके देखा तो वहाँ पे क्या हुआ, सारी की सारी लड़के बिल्कुल नरम हुई हैं, मतलब कि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है ना, जिसकी वजह से लकड़ियाँ हमारी जो है फुल गीली हुई हैं, वो अब जल भी नहीं सकती। जिसमें हमने पहले आग लगाई थी वो तचने में भी पानी भरा हुआ है इस टाइम। खैर दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अपने सबसे पहले आपको मैं असील चूज़े की ग्रोथ दिखाता हूँ। और अली भाई ने भी नहीं देखी हमारे असील चूज़े की ग्रोथ जो है, तकरीबन 2 दिन से अली भाई ने नहीं देखी। तो अली भाई भी कह रहे थे कि यार मुझे उसकी ग्रोथ दिखाना कैसी हो रही है। तो क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, तैयार हूँ। तो आ जाए जरा फिर इधर। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने शीट ढक दी थी, क्योंकि 2 या 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो पानी अंदर ना जाए, इसलिए मैंने दोस्तों ये कर लिया था। कहाँ आप चलते हैं अंदर, और अंदर जाके अपने चूजों को आराम आराम से हम खोल। देखें दोस्तों कितने आराम से हमारे चूजों को इस सुराख में से देख रही है, जो आप सुराख देख रहे हैं यहाँ पे, यूं देख रही थी, देखें सर ऐसे करके देख रही थी, और मैंने इसको भगा दिया। हो सकता है ये देखें दोस्तों, वैसे दूसरों के घर में झांकते नहीं है, रहने तो अच्छी बात है। हमारा दोस्तों एक चूजा यार बीमार हुआ हुआ है, ये वाला, ये जो आप ब्राउन बैंटम देख रहे हैं ना, मैंने दोस्तों इसका नाम बैंटम रखा हुआ है। ये दोस्तों गंजा चूजा, ये देखें कुछ बीमार हुआ है, इसके लिए मैं फ़िलहाल लहसुन लेके आया हूँ, और इंशाल्लाह आगे आगे मैं इसको, वैसे चल रहा फिर रहा, दाना पानी सही कर रहा, लेकिन ये देखें इसको मसला हो रहा कुछ। और बाकी माशाल्लाह हमारे सारे के सारे चूज़े एक्टिव हैं, तो इसके लिए दोस्तों मैं लहसुन लेके आया हूँ, इसको लहसुन भी देंगे। आप मुझे इसके खुद पकड़ के, हो सकता है अगर ये खुद ही खा लेगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये खा नहीं रहा। इसको मैं इसका मुँह खोल के जो है खिला देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह इसने खा लिया लहसुन। दुआ कीजिएगा दोस्तों कि ये जो हमारा चूज़ा बीमार हुआ हुआ है सही हो जाए, क्योंकि यार ये काफ़ी प्यारा है, ये देखें आपके सामने माशाल्लाह। और इनकी जो 5 की फैमिली है बड़ी ज़बरदस्त लगती है, जब एक के पीछे 4-4 घूमते हैं ना तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगता होगा। इसी तरीके से दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता करके हमने सारे चूज़ों को अपनी दे देनी है लहसुन, और आपको मैं सीधे चूज़ा भी दिखा देता हूँ माशाल्लाह। जब से दोस्तों मैंने इसके पर काटे आपके सामने, ग्रोथ देखें आप इसकी, ये देखें दुम भी निकल आई है इसकी माशाल्लाह। आप इसकी ग्रोथ देखें, मुझे भी लग रहा है कि हाँ इसकी ग्रोथ हो रही है, पहले दोस्तों इसकी ग्रोथ रुकी हुई थी, लेकिन अब माशाल्लाह से ये ग्रोथ कर रहा।
अब दोस्तों इनको हम दाना डाल देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह हमारे सारे मुर्गी हैं, सॉरी हमारे चूजे जो है वो दाना पानी करना शुरू हो गए अपना। और फाइनली मैंने उनको दाना पानी करके आपके सामने माशाल्लाह इनको बंद कर दिया, उसी तरीके से ढक दिया, लेकिन थोड़ा सा आगे से मैंने खोल दिया ताकि रोशनी थोड़ी सी अंदर जाती रहे। बारी है दोस्तों इनकी, इनको भी दोस्तों हम खोल देते हैं और इनको भी दाना पानी करते हैं। दोस्तों माशाल्लाह देखें आपके सामने, इनको मैंने दाना पानी कर दिया और हमारे मुर्गियाँ जो हैं कितने शौक से देखें दाना पानी कर रही हैं। और तो शुक्र है अल्लाह का दोस्तों के लिए, ये हमारी इनमें से कोई भी बीमार नहीं है आपके सामने, सारी चाको चौबंद हैं, तंदुरुस्त हैं। क्योंकि दोस्तों मैं इनको रात को अच्छी तरीके से ढक के जाता हूँ, जो आप कपड़ा देख रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये वाला, ये दोस्तों आप कपड़ा देख रहे हैं ना, ये मैं इसके आगे कर देता हूँ केज के, तो इससे सारा कवर हो जाता है। और आपको पता है कि मैंने उसमें तूड़ी वगैरह बिछाई, इसलिए इनकी हिफाजत हो जाती है माशाल्लाह। और आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरा कोई भी परिंदा बीमार ना हो। और दोस्तों जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी एवरी की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यार हमारे जो भजी इसके बच्चे हैं दो, वो बीमार हो गए थे, थोड़े से सुस्त हो के बैठे थे, लेकिन दोस्तों माशाल्लाह वो सही हो चुकी हैं। उनको मैंने नीम गर्म पानी दिया हो तो वो ठीक हो गए तो उनका भला भी चलता रहता है। बाकी एक काम दोस्तों हमारा रह गया, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था जो रात के टाइम बनाई थी, कि हमारी सारी की सारी तूड़ी जो है वो गीली हो चुका है, उससे भी ज़्यादा अब बुरा हाल हुआ है दोस्तों वहाँ पर, कि पानी जो है अंदर जा चुका है, सारी तूड़ी जो है गीली गीली हुई हुई है। तो ये ना हो कि हमारे जो बच्चे अभी छलांग मार के नीचे आए हैं उनको ठंड लगे दोबारा से, तो इसलिए दोस्तों उसकी इंशाल्लाह मैंने आजकल में तूड़ी चेंज करके वही जो भूरा होता है लकड़ी का वो डाल देना, उससे दोस्तों काफ़ी हिफाजत हो जाती है बनिस्बत तूड़ी के। तो ये दोस्तों हमने इंशाल्लाह काम करेंगे आजकल में। बाकी हमारी मुर्गियां आप देख सकते हैं, और आपको थोड़ा सा मैं मौसम का व्यू दिखाता हूँ। जो हमारे कबूतरबाज हैं वो कबूतर खोले उन्होंने, ये देखें, ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें इनके कबूतर जो दोस्तों यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़े मज़े से, और ये भी मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह उस वाली साइड पे भी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने कबूतर नहीं खोले। तो काफ़ी भाई मुझे कह रहे थे यार आप कबूतर भी लेके आए, कबूतर भी लेके आए, कबूतर भी लेके आए। इंशाल्लाह दोस्तों वो भी इंशाल्लाह कुछ करेंगे उसका, करेंगे। बाकी मैंने आपको कहा ना कि कुछ गुड न्यूज़ हैं हमारे लिए और आप लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह दोस्तों अगर वो हो गई, जैसे ही होगी उसमें दोस्तों कुछ दिन भी लग सकते हैं, ठीक है, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, बाकी मेरी पूरी उम्मीद है कि महीने ना लगे, ठीक है दोस्तों, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, जैसे एक हफ़्ता हो गया, डेढ़ हफ्ता हो गया, इतने लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो गुड न्यूज़ है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं भी काफ़ी वो हूँ इसके लिए, क्या कहते हैं, खुश खुश नहीं नहीं एक और चीज़ होती है वो मुझे याद नहीं है, खैर दोस्तों। तो वह इंशाल्लाह दोस्तों जैसी वो होगी तो हम लोग अपने सेटअप पर दोस्तों इंशाल्लाह शिराजी कबूतर भी लेके आएंगे। तो ओके दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो में, यार बारिश तेज़ होना शुरू हो गई है, और अगर मैं आपको ये चीले दिखाऊं तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे कितनी धुंध है। ये देखें आपको शायद ये हमारी ईगल जो है वो भी नज़र ना आ रही हूँ। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये आज की मज़ेदार सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें,
मिलेंगे दोस्तों इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और व्लॉग के साथ, और इंशाल्लाह किसी कुछ दिन बाद आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।